हेलो, दिस इज के एम एस सर। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक बल गति की यानी केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल। इस वीडियो के अंदर हम लगभग सभी टाइप के न्यूमेरिकल कवर करेंगे। तो देखिए, केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल पढ़ने के लिए आपको कुछ फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल सारे सोल्व हो जाएंगे डेफिनेटली इस वीडियो को देखने के बाद। तो देखिए, पहली बात तो ये ध्यान रखें आप कि फर्स्ट ऑर्डर यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अगर आपको दिखाई दे लिखा हुआ वेग स्थिरांक और अर्धायु काल में क्या संबंध होता है, तो ये फॉर्मूला होगा के बराबर 0.693/T½। अर्धायु काल का मतलब आधा काल, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास अर्धायु काल पूछ अगर हमारे पास वेग स्थिरांक पूछ रहा है और अर्धायु काल दिया है, अर्धायु काल का मतलब टी हाफ दिया है हमें और वेग स्थिरांक पूछ रहा है, वेग स्थिरांक को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे के बराबर 0.693/T½। लेकिन अगर हमसे के ना पूछ के का मतलब वेग स्थिरांक ना पूछ के अर्धायु काल पूछ लिया जाए, तो अर्धायु काल को हम अगर अर्धायु काल पूछेगा तो हम इसे इधर ले आएंगे, इसे इधर ले आएंगे, यानी कुछ इस तरीके से फॉर्मूला हो जाएगा टी हाफ बराबर 0.693 और अपॉन में के, ठीक है। के का मतलब होता है वेग स्थिरांक और टी हाफ का मतलब अर्धायु काल होता है। पहला तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। दूसरा, वेग स्थिरांक का जो व्यंजक है वो फॉर्मूला आपको याद रखना है, वेग स्थिरांक के व्यंजक का के बराबर 2.303/T log 10 a/a-x। के का मतलब तो आपको पता है वेग स्थिरांक होता है, टी का मतलब टाइम होता है। अगर ये टी हाफ होता तो टी हाफ को कहते हैं अर्धायु काल, लेकिन टी है अगर तो ये टाइम है। और ए क्या है, ए का मतलब होता है जो हमारे पास रिएक्शन है उसमें जो अभिकारक रिएक्टेंट भाग ले रहा है उसकी जो शुरुआती मात्रा होती है यानी वो 100% होती है, इसे हम 100% मानते हैं। और यहां एक्स का मतलब है जितना प्रोडक्ट हमारे पास बन गया, वो 10% बन सकता है, 20% बन सकता है, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, ये तीसरा फॉर्मूला। पहली बात, ये तीनों फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। इसके बाद एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि अगर हमारे पास अभिक्रिया की जो दर होती है वो दर का व्यंजक हम इस तरीके से लिखते हैं, आर बराबर के। मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है, ए से बन रहा है बी, तो इस रिएक्शन को हम दर के रेट के रूप में किस तरीके से लिखेंगे, तो आर बराबर के और यहां पे ए, ठीक है। और ये अगर शून्य कोटि की होगी तो पावर शून्य लगा देते हैं, पहली कोटि की होगी तो पावर एक लगाते हैं, दूसरी कोटि होगी तो दो लगाते हैं। इतनी बातें आपको याद रखनी है। ये तीन चार फॉर्मूले अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं इसके बाद। अब न्यूमेरिकल्स के अंदर हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए भाई पहला न्यूमेरिकल हम शुरुआत कर रहे हैं। न्यूमेरिकल हम बेसिक से पढ़ेंगे, पहले इजी न्यूमेरिकल देखेंगे, उसके बाद मॉडरेट टफ न्यूमेरिकल तक हम जाएंगे, बेसिक से एडवांस तक। तो पहला न्यूमेरिकल हमारे पास लिखा है, उन अभिक्रियाओं की कुल कोटि की गणना कीजिए जिनका वेग व्यंजक इस प्रकार है। यानी कि यहाँ पे वेग व्यंजक दे रखा है, सवाल ए है और हमारे पास क्वेश्चन बी है और क्वेश्चन हमारे पास सी है, और कहा है इनके वेग दे रखे हैं हमें और कहा है कि इनकी कोटि बताइए, इनकी कोटि निकालिए, कोटि कितनी है इनकी, कुल कोटि ज्ञात कीजिए। तो कोटि निकालने का सबसे आसान तरीका है, कोटि निकालने का मतलब है जो पावर लिखी होती है उन पावर को जोड़ देते हैं। जैसे यहां पे क्या लिख रहा है, ए की पावर कितनी लिख रही है, दो, बी की पावर कितनी लिख रही है, एक। कहा है कि इस अभिक्रिया के लिए कोटि निकालिए, तो कोटि कैसे निकालेंगे ये तो सवाल दे रखा है। कोटि कैसे निकालेंगे, ए की पावर कितनी दे रखी है, दो, तो कोटि में दो प्लस बी की पावर कितनी दे रखी है, एक, दो प्लस एक, यानी कि कोटि बराबर निकल के आ गए तीन, आंसर हमारा हो गया। आगे पहुंचो, इसके बाद हमारे पास लिखा है भाई बी, कहा है इसमें वेग बराबर दिया है कि ए की पावर 1/2 और बी की पावर है 3/2 और कहा है इसकी कोटि निकालिए। तो कोटि कैसे निकालेंगे बोलो, पावर को जोड़ते हैं, पावर कितना लिख रहा है 1/2 और वहां पे पावर कितना लिख रहा है 3/2, 1/2 प्लस 3/2। अब बोलो क्या होगा, बोलो 1/2 का मतलब है आधा और 3/2 का मतलब है डेढ़, आधा और डेढ़ कितना हो जाता है 2, यानी कोटि हो गई 2। इस तरीके से हमें पता चल गया ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। आगे पहुंचो, इसके लिए बोलो क्या होगा, तो कैसे करें, पावर जोड़ दो, पावर कितनी लिख रही है यहाँ पे 3/2 प्लस और बी की पावर कितनी है -1, यानी कि -1। अब आपको पता है प्लस की माइनस में गुना होगी तो क्या मिलेगा, माइनस हो जाएगा, यानी कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 3/2 -1। अब क्या होगा बोलो, ये इधर चला जाएगा, गुना होती है इसकी आपको पता है, तो दो क्या मिलेगा आपको, ये दो की इसमें गुना होगी आपको पता है, यानी कुछ इस तरीके से 3/2 - और ये 2 × 2, यानी यहाँ पे 2 बच गया, तो 3 में से 2 गए कितने बचे 1 और नीचे क्या है 2, तो आंसर मिल गया 1/2, यानी इसकी कोटि हो गई है 1/2, यानी इसकी कोटि आधी है, ठीक है। इस तरीके से ये न्यूमेरिकल हमारा सोल्व हो गया। आगे चलिए, इसके बाद हम अगले न्यूमेरिकल को देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है हमारे पास कि अणु एक्स का
वायु में रूपांतरण द्वितीय कोटि की बल गतिकी के अनुसार हो रहा है। यानी क्या लिखा है यहाँ पे कि जो हमारे पास एक्स है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाई में, एक्स वाई में कन्वर्ट हो रहा है और किसके अनुसार हो रहा है, द्वितीय कोटि की बल गतिकी के अनुसार हो रहा है। फिर इसके बाद कहा है यदि एक्स का वाई में रूपांतरण के टाइम यदि एक्स की सांद्रता कितनी कर दें, तीन गुना, तो अभिक्रिया की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह कहना चाह रहा है। क्वेश्चन को समझो, शुरू में बताओ क्या कहा क्वेश्चन में कि एक्स का वाई में रूपांतरण हो रहा है, यानी कि सॉल्यूशन अगर हम करें तो क्या करें, बोलो एक्स का वाई में रूपांतरण हो रहा है, तो सबसे पहले हम इस तरीके से लिख देंगे एक्स से बन रहा है वाई। इसके बाद कहा है कि यह द्वितीय कोटि की बल गतिकी के अनुसार होता है, तो आपको मैंने दर का व्यंजक तो बताया था, तो आर बराबर के और यहां पर लिख देंगे ये क्या है अभिकारक एक्स, तो यहां पे x और द्वितीय कोटि के अनुसार हो रहा है इसलिए पावर लगा दी दो, ठीक है। इसके बाद कहा यदि x का y में रूपांतरण के दौरान x की सांद्रता तीन गुना कर दें तो द्रव्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी ये तो पहला केस है, इसको मान लो पहली बात यानी समीकरण एक। दूसरे केस में क्या कहा है कि x की सांद्रता इस बार दो गुना कर दो, सॉरी इसमें कहा है कि x की सांद्रता इस बार तीन गुना कर दो तो दर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि दूसरे केस में हम इस तरीके से लिखेंगे r बराबर k और x की पावर दो, इसमें क्या करें बस फर्क क्या है कि सांद्रता x की कितनी कर दे, तीन गुना, तीन गुना का मतलब यहां पे हमने तीन लगा दिया। ये इसके बाद कहा है तो विभिक्रिया की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो पहली तो ये समीकरण थी, ये समीकरण मान लो दूसरी। अब क्या करें, इसको हम ये कह सकते हैं, इसे r1 मान लो, ये r2 मान सकते हैं, तो अब क्या करेंगे इस में देखेंगे R2 को डिवाइड कर देना है R1 से, यानी R2 बटे R1 बराबर वैल्यू रखो, R2 की वैल्यू बताओ कितनी है K और यहां पे क्या है तीन X की स्क्वायर, यानी तीन का स्क्वायर आपको पता है 9 होता है ना, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 9X स्क्वायर और अपोन में क्या मिला बोलो, अपोन में R1 की वैल्यू कितनी है K X स्क्वायर, ठीक है। तो बोलो क्या हुआ, समीकरण एक दो को एक से डिवाइड किया बस और कुछ नहीं है यहाँ पे, तो क्या हो रहा है बोलो, के से के कट जाएगा, एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, तो क्या मिला हमें बोलो आर टू बट्टे आर वन बराबर नो, यानी हम ये कह सकते हैं कि अभिक्रिया की जो दूसरी दर है वो अगर इसे मैं इधर ले जाऊं, इधर ऐसे लिख सकता हूं ना, तो आर टू बराबर कितना मिला हमें नो आर वन, यानी कि अभिक्रिया की जो दूसरी दर है वो नो गुना हो गई। ये सोल्व हो गया हमारा क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन ध्यान रखें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें लिखा है कि किसी अभिक्रिया का वेग, वेग स्थिरांक यानी के बराबर दिया है यहां पर, के बराबर दिया है यहां पर 2.3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 सेकंड इनवर्स है, तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, तो कोटि पूछ रहा है इस अभिक्रिया की। देखिए अब तक हम कोटि कैसे निकालते थे कि हम जो पावर लिखी होती थी हमारे पास तो उन पावर को जोड़ देते थे और जोड़ने के बाद हमारी कोटि निकल जाती थी, लेकिन यहाँ पर तो कोई पावर नहीं दी गई बल्कि यहाँ पे क्या दिया है कि के का वैल्यू दिया गया है, इतने के का वैल्यू दिया गया है और कहा है इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, ऑर्डर क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हमें एक ट्रिक याद रखनी है, वो ट्रिक याद होगी अगर ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हमें पावर नहीं दे रखी और फिर हम कोटि निकालेंगे, तो इनके लिए हमें ट्रिक याद रखनी है, उस ट्रिक को लगाने के बाद इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो देखिए वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक है मोल वन माइनस एन लीटर एन माइनस वन और सेकेंड इनवर्स, ये ट्रिक याद रखनी है। अब यहां पे n का मतलब क्या है, n का मतलब होता है कोटि का वैल्यू, n का मतलब कोटि का वैल्यू होता है। जैसे हमसे कहा एग्जाम्पल के तौर पे कि पहली कोटि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक बताइए, तो हम प्रथम कोटि का पूछ रहा है मात्रक और एक हमसे दूसरी कोटि का द्वितीय कोटि का मात्रक पूछ रहा है, तो जब हमसे प्रथम कोटि का मात्रक निकलवाएगा तो हम यहाँ पे n की वैल्यू एक रखेंगे, अगर हमसे द्वितीय कोटि का मात्रक निकलवाएगा तो हम यहाँ पे n की वैल्यू दो रखेंगे, इसी तरीके से हमसे शून्य कोटि का मात्रक निकलवाएगा तो हम n की वैल्यू शून्य रखेंगे। तो चलो मान लो हमसे पूछा कि प्रथम कोटि का मात्रक क्या है, तो हम प्रथम कोटि का मतलब एक वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, यानी कुछ इस तरीके से होगा मोल वन माइनस एन की वैल्यू क्या रखें वन, इसके बाद लीटर n की वैल्यू क्या है वन माइनस वन और इधर सेकंड इनवर्स, तो बोलो एक में से एक गया जीरो यानी खत्म,
और लीटर एक में से एक गया यानी लीटर की पावर जीरो यानी लीटर भी खत्म, तो प्रथम कोटि का मात्रक क्या निकल कर आया? सेकंड इनवर्स। तो अब यहां पे देखो क्या लिख रहा है, के का वैल्यू क्या लिख रहा है, 2.3 × 10⁻³ सेकंड इनवर्स। तो सेकंड इनवर्स किसका मात्रक हुआ? आपको पता चला सेकंड इनवर्स का मतलब वो कौन सी कोटि का मात्रक है? प्रथम कोटि का। तो इसका मतलब इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? प्रथम होगी। आंसर हमें मिल गया, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। तो हमें मात्रक निकाल के देखना है, और अगर मात्रक मैच कर जाता है इससे, जो भी वहां पे मात्रक लिखा है, तो वो उसी कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। आगे चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है, अगले क्वेश्चन में ये कहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल 69.3 सेकेंड है। अर्धायुकाल का मतलब टी हाफ दे रखा है, 69.3 सेकेंड। और पूछा है इस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए, यानी कि वेग स्थिरांक निकलवा रहा है, यानी के निकलवा रहा है, दे क्या रखा है? अर्धायुकाल। अर्धायुकाल कितना दे रखा है? 69.3 सेकेंड। अर्धायुकाल को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे? बोलो, टी हाफ से। टी हाफ की वैल्यू कितनी दे रखी है? 69.3 सेकेंड। तो जो दिया है सबसे पहले तो उसे लिख देते हैं, ठीक है भाई। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लिया, उसके बाद जो दिया उसे रख दिया। और क्या पूछ रहा है इसमें? इस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। वेग स्थिरांक का मतलब होता है कि जो चीज पूछ रहा है उसके सामने लगा दिया हमने क्वेश्चन मार्क। अब बताओ के और टी हाफ में आपस में क्या संबंध होता है? मैंने आपको बताया था कि अगर टी हाफ दिया है और के निकलवा रहा है तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? याद करो, मैंने ये बताया था कि अगर के निकलवाएगा और टी हाफ दिया है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, के बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ। तो हमने रख दिया यहाँ पे। बोलो क्या रखा? के बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 0.693 अपॉन में टी हाफ। इस फॉर्मूले को हमने यहाँ पे अप्लाई किया। अब अप्लाई करने के बाद कुछ इस तरीके का होगा, के बराबर 0.693 अपॉन, और टी हाफ की वैल्यू बताइए क्या रखें? टी हाफ का मान कितना दे रखा है? 69.3। 69.3। अब क्या करें? देखो इधर से 1, 2, 3, तीन अंक बाद पॉइंट है, तो पॉइंट हटाओ और यहां पे हमने लगा दिया 3 जीरो। इधर बताओ कितने अंक बाद पॉइंट है? एक अंक बाद, तो इधर पॉइंट हटाया और ऊपर हमने लगा दिया 1 जीरो यानी 10। अब क्या हुआ? ये वैल्यू सेम है 693, ऊपर भी 693 है, इससे ये कट गया और हमारे पास 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। तो क्या मिला हमें? ये 100 का मतलब क्या है? 100 का मतलब है 10 की पावर 2, यानी के बराबर 10 की पावर, ऊपर जाके ये माइनस की हो जाएगी, 10 की पावर -2, और मात्रक होगा प्रथम कोटि का सेकेंड इनवर्स। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। देखो आगे क्वेश्चन लिखा है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 40 सेकेंड में अपने पदार्थ की आधी रह जाती है। 40 सेकेंड में अपने पदार्थ की, प्रारंभिक पदार्थ की आधी रह जाती है। आधी रहने का मतलब क्या है? कि अर्धायुकाल की वैल्यू है, और अर्धायुकाल का मतलब क्या होता है? अभी आपने पढ़ा टी हाफ। तो टी हाफ कितना दे रखा है? 40 सेकेंड। यहाँ पे 40 सेकेंड, क्योंकि ये आधी रह गई। आधी रहने का मतलब वो अर्धायुकाल है, और अर्धायुकाल का मतलब टी हाफ है। टी हाफ की वैल्यू कितनी? 40 सेकेंड है। तो हमने दिख लिया टी हाफ बराबर 40 सेकेंड। कहा है इस अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। वेग स्थिरांक का मतलब के निकल पा रहा है। आपको फॉर्मूला तो पता है, बोलो सूत्र क्या होता है बच्चों? के बराबर सूत्र होता है 0.693 अपॉन में टी हाफ। तो रख दो यहां पे, बोलो के बराबर 0.693 अपॉन में टी हाफ की वैल्यू कितनी दे रखी है? 40 सेकेंड, अपॉन में हो गया 40। अब देखो क्या मिला। अब 40 से भाग कर दो 0.693 को। जब आप भाग करेंगे 0.0173, और आंसर में ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तो मात्रक होगा प्रथम कोटि का सेकंड इनवर्स। इस तरीके से ये हमारा आंसर मिल गया। इसके बाद आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन में कहा है कि कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया 50 मिनट में 90% पूर्ण हो जाती है। 50 मिनट में 90% पूर्ण हो जाती है। यहां पे कोई अभिक्रिया का अर्धायुकाल तो दिया नहीं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया 50 मिनट में 90% पूर्ण हो जाती है, तो इस अभिक्रिया का अर्धायुकाल ज्ञात कीजिए। इस बार क्या दिया है? अर्धायुकाल तो इस बार ज्ञात करा रहा है, और दिया क्या है? टाइम दे दिया, यानी टी बराबर दिया है, जो दिया है हम सबसे पहले उसे लिख देते हैं। टी बराबर क्या दिया है? 50 मिनट।
कहा है 90% पूर्ण हो जाती है, 90% पूरी हो रही है, इसका मतलब एक्स हमारे पास 90% बन गया। और ए हमेशा आपको ध्यान रखना है, मैंने बताया था ए तो 100% ही होगा, ए टोटल 100% होगा और एक्स कितना बन गया 90%। और पूछा है कि इस अभिक्रिया का अर्धायुकाल क्या होगा, अर्धायुकाल यानी टी हाफ क्या होगा। अब आप बताओ क्या फॉर्मूला होता है टी हाफ का, टी हाफ बराबर होता है 0.693/k, ये फॉर्मूला है। लेकिन अर्धायुकाल निकालने के लिए हम कैसे अर्धायुकाल निकालेंगे, कि हमारे पास के की वैल्यू होनी चाहिए, अगर के की वैल्यू ही हमारे पास नहीं होगी तो अर्धायुकाल कैसे निकलेगा। तो अब क्या करें हम, इसका मतलब यह है हमें पहले के निकालना पड़ेगा, तब इस फॉर्मूले में हम के की वैल्यू रखेंगे तब हमारा अर्धायुकाल निकलेगा। तो के कैसे निकालें, अब के का फॉर्मूला आपको पता है, के का फॉर्मूला क्या होता है कि के बराबर होता है 2.303/t½ log10a/a-x। ये लो, अब बोलो, अब इस फॉर्मूले की हेल्प से हम ये के का मान निकाल लेंगे और फिर के का मान यहाँ पे रखेंगे तो हमारा अर्धायुकाल निकल जाएगा। तो बोलो, अब के का मान हम पहले निकाल रहे हैं तो कैसे निकालें, के बराबर 2.303/t½ की वैल्यू, अपॉन में सॉरी टी होता है, अपॉन में टी होता है, टी की वैल्यू कितनी दे रखी है बोलो 50 मिनट, तो अपॉन में 50 और इंटू log10, और ए की वैल्यू क्या है बोलो 100 अपॉन में, फिर ए की वैल्यू 100 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स कितना बना है 90, तो यहाँ पे हमने रख दिया। अब आगे जाओ, के बराबर 2.303/50 और इंटू log10 100/100 में से 90 के कितने बचे 10, और ये कट जाएगा 10 धाम 100, 10 10 100 हो गया। अब ये क्या मिला, तो आपको 10 की पावर 10, यानी ये मिल गया 10 की पावर log 10 की पावर 10। और log 10 की पावर 10 की वैल्यू ध्यान रखना है आपको कि log 10 की पावर 10 की वैल्यू होती है 1, तो क्या मिला के बराबर 2.303/50 और ये क्या हो गया 10 की पावर 10 की वैल्यू क्या है 1, 1 का मतलब कुछ नहीं, यानी कि बस के की वैल्यू तो हमारे पास ये निकल के आ गई। अब देखो, अब ये जो के की वैल्यू है, इस के की वैल्यू को आपको इस फॉर्मूले में रखना है, तो रख दो। अब रखो वैल्यू, बोलो कैसे, टी हाफ बराबर 0.693/k की वैल्यू कितनी आई निकल के 2.303/50। अब क्या होगा बोलो, नीचे की वैल्यू तो ऊपर चली गई, यानी कि टी हाफ बराबर 0.693/50/2.303। इधर 1 2 3, इधर भी 1 2 3, 3 3 अंक बाद पॉइंट है तो पॉइंट से पॉइंट हटा दो, उसके बाद 693 की 50 में गुना करो और जो भी आएगा उसे भाग कर दो, 2 पॉइंट उसे भाग कर दो 2 3 0 3 से, फिर उसके बाद जो भी आ रहा है वो आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर निकल के आएगा 15.04 मिनट, यानी कि इसका अर्धायुकाल इतने मिनट हुआ। आगे पहुंचो इसके बाद, इसी के बेस पे आगे पहुंचो इसी के बाद इसके बेस पे एक क्वेश्चन मैंने लिखा है कि कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया 20 मिनट में 50% पूर्ण हो जाती है, तो इस अभिक्रिया का अर्धायुकाल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को आप लिखिए और खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिए। ये अगले टाइप का क्वेश्चन है, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अगले टाइप का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में कहा है कि कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया 60 मिनट में 20% पूर्ण हो जाती है, यानी टाइम दिया है हमें 60 मिनट और एक्स कितना बन रहा है 20%, ठीक है। तो हमने लिख दिया, बोलो क्या दिया है, टी बराबर कितना दिया है 60 मिनट। इसके बाद कहा है एक्स कितना बन रहा है बच्चों, एक्स बराबर कितना बन रहा है 20%। ए तो हमेशा जहां एक्स लिखोगे तो उसके नीचे ए आपको फिक्स रखना है, 100 ही होता है, ठीक है। ए तो हमें यहां पे टाइम मिल गया और यहां हमें एक्स मिल गया। फिर इसके बाद कहा है तो इसे 80% पूर्ण होने में कितना टाइम लगेगा, यानी पहले केस में तो हमें टाइम भी दे रखा है और हमें एक्स की वैल्यू भी दे रखी है, लेकिन दूसरे केस में हमें क्या दे रखा है, केस सेकंड में हमें क्या दे रखा है, एक्स की वैल्यू तो हमें दे दी, एक्स की वैल्यू तो 80% है, तो पूछा 80% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा और टी की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, तो देखो सबसे पहले आपको केस वन को सोल्व करना है, फिर केस टू को सोल्व करना है। तो पहले सबसे पहले हम क्या करें, केस फर्स्ट में हम फॉर्मूला लगाएंगे। पहली कोटि का फॉर्मूला क्या होता है, के बराबर 2.303/t log10a/a-x।
तो क्या हुआ, के बराबर बोलो 2.303 अपॉन टी का मान बताओ कितना है, 60 मिनट। टी का मान है 60 और इंटू इंटू लॉग 10 और ए की वैल्यू 100 अपॉन में ए की वैल्यू फिर से 100 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है बताओ, पहले केस में कितना बना एक्स 20%, तो हमने यहाँ पे रख दिया 20। ठीक है भाई, अब के बराबर 2.303 अपॉन में 60 और इंटू लॉग 10 और ये हो गया 100 बटे में 100 में से 20 गए कितने बचे 80, अब 0 से 0 कट गई और 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, यानी ये मिला हमें इस तरीके से के बराबर 2.303 अपॉन में 60 और इंटू में है लॉग 10 और ये क्या है 10 5 बटे 4। अब आपने एक मैथ का रूल पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा लिख रहा है कि लॉग 10 एक्स बटे वाई लिख रहा है, तो उसे हम ऐसे लिखते हैं लॉग 10 की पावर एक्स माइनस लॉग 10 की पावर वाई, तो इसी के अनुसार हम इस फॉर्मूले को खोलेंगे, तो यानी कुछ इस तरीके से लिखेंगे हम के बराबर 2.303 अपॉन में 60 इंटू लॉग 10, 10 की पावर कितनी 5 माइनस लॉग 10 की पावर कितनी 4। अब आपको यहाँ पे वैल्यू पता होनी चाहिए कि भाई लॉग 10 की पावर 5 की वैल्यू पता भी नहीं है, तो ये पेपर में दी जाएंगी आपको वैल्यू, 10 की पावर 5 की वैल्यू जो होती है वो होती है 0.699 और लॉग 10 की पावर 4 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.604, इतना आपको मिल गया। अब इनके मान रख दो, तो बोलो कैसे रखें, के बराबर अगर मान रखेंगे हम तो कुछ इस तरीके से होगा, के बराबर 2.303 तो कुछ इस तरीके से होगा के बराबर 2.303 अपॉन में कितना था वैल्यू बताओ 60 अपॉन में 60 और इंटू लॉग 10 की पावर 5 की वैल्यू कितनी थी बताओ 0.699 माइनस 10 की पावर 4 की वैल्यू कितनी थी 0.604। ठीक है, अब बोलो इसमें से ये घटाएंगे तो क्या मिला हमें, के बराबर 2.303 अपॉन 60 और इंटू 0.099, ये हमें के का पहला वैल्यू मिल गया। अब हमें दूसरा के कैलकुलेट करना है, केस सेकंड, केस टू में बताओ क्या है, फॉर्मूला सेम लगेगा, के बराबर 2.303 अपॉन टी और इंटू लॉग 10 ए अपॉन में ए माइनस एक्स, ये फॉर्मूला लगा दो। अब बोलो केस सेकंड में हमें टी की वैल्यू तो दे नहीं रखी, टी तो निकलवा रहा है, और केस सेकंड में हमें एक्स की वैल्यू कितनी कही है क्वेश्चन में, केस सेकंड में हमें एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है बोलो, केस सेकंड में कहा है कि 80% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, यानी एक्स की वैल्यू 80 दे रखी है हमें, तो करें मान रखो के बराबर 2.303 अपॉन टी, टी का मान कितना कुछ नहीं, टी तो हमसे पूछ रहा है, और इंटू लॉग 10 ए की वैल्यू 100 अपॉन में 100 माइनस एक्स की वैल्यू है 80, क्योंकि उसने कहा है केस सेकंड में 80% पूर्ण होती है। अब इसके बाद अगर देखें तो के बराबर 2.303 अपॉन में टी इंटू लॉग 10 और 100 बटे 100 में से 80 गए तो आपके पास बचते हैं 20 और एक कट गया 20 एकम 20 20 पंजे 100, यानी के बराबर 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग 10 और 10 की पावर कितना 5। अब ठीक है, 10 की पावर 5 की वैल्यू बताओ कितनी होती है, के बराबर 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग 10 की पावर 5 की वैल्यू बताओ कितनी है 0.699, ये मिलेगी आपको केस, तो वैल्यू निकली है। अब समीकरण एक और समीकरण दो को एक दूसरे के बराबर रख दो, तो समीकरण एक की वैल्यू क्या है बताओ, समीकरण एक की वैल्यू है हमारे पास 2.303 बटे 60, तो समीकरण एक की वैल्यू है 2.303 अपॉन 60 और इंटू में है 0.909 बराबर समीकरण दो की जो वैल्यू थी वो क्या आई थी हमारे पास निकल करके, के बराबर वो क्या थी बोलो 2.303 अपॉन में टी और इंटू में था 0.699। अब क्या होगा बोलो, ये तो कट गया, इससे ये कट गया, सेम वैल्यू से सेम वैल्यू कट गई, अब क्या होगा, ये जो वैल्यू है ये इस तरीके से गुना होती है आपको पता है, यानी कि ये इधर गुना पहुंच गई, यानी 0.699 गुना और ये 60 चला गया और अपॉन में क्या आया बोलो 0.099। आप इसको इसके साथ गुना करें और इससे भाग दें, जो आएगा वो ही इसका आंसर हो जाएगा।
दैट्स इट, कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन। आगे देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया 120 मिनट में 20% पूर्ण हो जाती है, एक यानी टाइम दिया है 120 मिनट और पूर्ण हो रही है यानी एक्स दिया है, जो पूरी होती है वो एक्स की वैल्यू होती है, तो एक्स दिया है 20%, यानी पहले केस में हमें टी दे दिया और एक्स दे दिया, फिर इसके बाद कहा है तो इसे 90% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, यानी कि दूसरे केस में हमें एक्स दे दिया और टाइम पूछ लिया, तो पहले केस में हमें क्या दिया है बोलो, टी बराबर 120 मिनट और एक्स की वैल्यू दी है 20%, एक्स का वैल्यू हमें मिल गया। इसके बाद कहा है कि ये तो केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट, केस सेकंड में हमें क्या दिया है कि यदि x बराबर 90% बनेगा तो इसमें कितना टाइम लगेगा, केस सेकंड में टाइम पूछ रहा है, तो हम शुरुआत कहां से करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला आपको पता है, बोलो क्या फॉर्मूला है, k बराबर 2.303 अपॉन t इंटू लॉग 10 a अपॉन में a माइनस x, तो अगर वैल्यू रखें k बराबर 2.303 अपॉन t, t की वैल्यू बताओ कितनी दे रखी है 120 मिनट, तो हम यहां पे रख देंगे 120 और इंटू लॉग 10 और a की वैल्यू कितनी होती है 100 बटे 100 माइनस x की वैल्यू कितनी दे रखी है 20% बटे 20 माइनस 20। इसके बाद आगे चलें तो k बराबर हम रखेंगे 2.303 अपॉन 120 इंटू लॉग 10 और 100 बटे 100 में से 20 जाते हैं बचा आपके पास 80, ये कट गया 0 से 0 और ये 2 चौक 8 2 पंजे 10, यानी k बराबर आपको मिला 2.303 अपॉन 120 और इंटू लॉग 10 और इधर मिला आपको लॉग 10 की पावर 5 और बटे 4। अभी आपने क्या देखा था, अगर बटे में कुछ ऐसा लिखा हो तो हम क्या लिखते हैं 10 की पावर 5 माइनस 10 की पावर 4 मैथ के अनुसार, तो यहाँ पे भी ऐसे ही कर देंगे लॉग 10 की पावर 5 माइनस लॉग 10 की पावर ये 4 कर दिया हमने। अब इनके बाद इनकी वैल्यू रख दो, तो बोलो के बराबर 2.303 अपॉन 120 और इंटू लॉग 10 की पावर 5 की वैल्यू कितनी है 0.699 माइनस 10 की पावर 4 की वैल्यू कितनी है 0.604। आगे चलें तो के बराबर हमें मिला 2.303 अपॉन 120 और इंटू 0.699 में से 0.604 गए, तो ये हो गया है 0.099। ये इक्वेशन नंबर 1, पहला काम फाइनल हो गया। अब आते हैं दूसरे में, दूसरे केस में कितने परसेंट दिया है, दूसरे केस में एक्स की वैल्यू कितनी है 90, तो रखो दूसरे केस में फॉर्मूला लगाओ, के बराबर 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग 10 ए अपॉन में ए माइनस एक्स, ठीक है, तो के बराबर बोलो 2.303 अपॉन टी और इंटू लॉग 10 और ए की वैल्यू है 100 अपॉन में 100 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है दूसरे केस में 90, तो हमने रख दिया। अब के बराबर 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग 10 100 बटे 100 में से 90 का कितने बचे 10, अब बोलो क्या हुआ, ये कट गया 10 धाम 100। अब क्या मिला आपको लॉग 10 की पावर 10, और ध्यान रखना लॉग 10 की पावर 10 की वैल्यू होती है, चूंकि लॉग 10 की पावर 10 की वैल्यू होती है 1, तो इसका मतलब ये कुछ भी नहीं है, ये 1 के बराबर है, तो क्या मिला हमें के बराबर 2.303 अपॉन में टी, ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 हो गई। अब क्या करते हैं हम, समीकरण नंबर 1 बराबर है समीकरण नंबर 2 के, तो समीकरण 1 क्या थी हमारे पास बोलो, समीकरण 1 थी हमारे पास 2.303 अपॉन 120 इंटू 0.099, यानी के समीकरण 1 थी हमारे बार के बराबर 2.303 अपॉन 120 इंटू 0.099 और समीकरण 2 क्या है हमारे पास 2.303 अपॉन में टी। अब क्या होगा, ये तो सेम वैल्यू है कट गई, तो क्या हुआ ये हमारी इधर चली जाएगी, यानी के बराबर 120 और ये टी इधर जाएगा, तो टी बराबर 120 ये इधर चला गया और बटे में आ जाएगा 0.099। इसके बाद इसे डिवाइड करो, जो भी आ रहा है वो आपका आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल 60 मिनट है,
अर्धायुकाल का मतलब इस बार हमें टी हाफ दे दिया 60 मिनट, और पूछा है कितने समय में भी क्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी। तो सबसे पहले हम वैल्यू को पहचानते हैं, हमें क्या दिया है, अर्धायुकाल दिया है, अर्धायुकाल का मतलब टी हाफ, टी हाफ कितना दिया है 60 मिनट। उसके बाद कहा है कितने समय में, समय पूछ रहा है यानी टाइम पूछ रहा है, ये भी क्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी यानी एक्स बराबर 90 दे रखा है हमें, और ए तो हमेशा 100 ही मानना है। तो शुरुआत करें, यहाँ पे टाइम पूछ रहा है, शुरुआत हम कहाँ से करते हैं बताओ, फॉर्मूला होता है प्रथम कोटि के लिए के बराबर 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग 10 ए अपॉन में ए माइनस एक्स। ठीक है भाई, अब यहां पूछा क्या है, यहां पे पूछा है उसने टाइम, और हमें क्या दे रखा है, अर्धायुकाल दे रखा है। आपको पता है अगर अर्धायुकाल क्वेश्चन में दे देगा तो अर्धायुकाल का एक फॉर्मूला ये होता है के बराबर 0.693 अपॉन में टी हाफ। ठीक है, तो अब ये जो के है, के का फॉर्मूला, के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू तो आपको पता है कि के की वैल्यू होती है 0.693 अपॉन में टी हाफ, अपॉन में टी हाफ। तो यहाँ पे हमने के की वैल्यू रख दी, टी हाफ की वैल्यू कितनी दे रखी है बताओ 60 मिनट, तो हमने यहाँ पे क्या रख दिया अपॉन में 60, और बराबर आगे से कंटिन्यू कर दो, बराबर 2.303 अपॉन में टी, और इधर है इंटू लॉग 10 ए का मतलब 100 अपॉन में 100 माइनस एक्स की वैल्यू है 90। आगे चलिए, 100 में से 90 गए कितने बचे, 10 बच गए, यानी कि इस तरीके से लिख सकते हैं 0.693 अपॉन 60 बराबर 2.303 अपॉन टी और इंटू लॉग 10 100 बटे 100 में से 90 गए बचे 10, और 10 धाम 100, और आपको पता है लोग 10 की पावर 10 की वैल्यू 1 होती है, यानी कि इसका कोई मतलब नहीं बचा, हमारे पास सिर्फ ये बच गया 0.693 अपॉन 60 बराबर 2.303 इंटू अपॉन में है टी। अब क्या होगा, हमें तो टाइम निकालना है, तो क्या होगा, इनकी आपस में इस तरीके से गुना होती हैं आपको पता है, यानी टाइम इधर जाएगा, जो चीज़ हमें निकालनी है वो लेफ्ट ले जाएंगे, टी बराबर, और ये इधर आ गया और ये इधर पहुंच गया, यानी 2.303 गुना ये 60 इधर गया गुना 60 और अपॉन में ये इधर आएगा 0.693। इनको जब कैलकुलेट करोगे, इसकी इसके साथ गुना करके इससे भाग दोगे, तो आंसर निकाल के आएगा 199 मिनट आंसर।